कितने दिनों बाद आज चांद निकला आगे। Hey everyone, welcome back to my new vlog. आज कई दिनों के बाद मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, वो भी मैं इसलिए व्लॉग डाल रहा हूँ क्योंकि परसों रूपाली ने आना है एंड मैं सोच रहा हूँ कि कल रूपाली को सरप्राइज देता हूँ, उसको मतलब डायरेक्ट लेने चला जाता हूँ पालमपुर और उसको पिक करके ले आऊँगा, वो भी खुश हो जाएगी और मैं भी खुश हो जाऊँगा। फिलहाल अभी तो मैं अपना हॉरर स्टोरी टाइम शूट करने आया था, ये रहा मेरा सेटअप, तो हॉरर स्टोरी टाइम शूट करने आया हुआ था मैं और मेरा साथ दे रही है क्योंकि अभी तो रूपाली तो है नहीं यहाँ पर, तो मेरा साथ दे रही है मेरी माता श्री। तो मैंने मम्मी को बहुत परेशान कर दिया, उतनी देर से मैं यहाँ पर अपनी स्टोरीज पढ़ रहा हूँ, अब पढ़ने के बाद मैं शूट करूँगा तो मम्मी यहाँ पर मेरा वेट कर रही है। मम्मी कल मैं चला जाऊँ ना रूपाली को लेने? चले जा। पक्का जा, को, फिर टाइम है तो चले जा। वो तो मैं कर लूँगा, ऑफिस का तो मैं छुट्टी ले लूँगा और मैं उसको लेने के बाद अगर मैं कल जाऊँगा और वो परसों आएगी तो दो दिन बाद होली है, तो एक दिन अगर रुक भी जाऊँगा तो भी मैं होली से पहले आ जाऊँगा क्योंकि होली तो मनानी है ना यहाँ पर, फर्स्ट होली होगी हम सबकी, तो मैं आ जाऊँगा टाइम से पहले। तो जाओ ना मम, तेरी इच्छा, जा। और यार माँ तो माँ होती है, मैं अकेला ऊपर रात को शूट कर रहा हूँ वीडियो, ये देखो अभी रात हो रही है बाहर और मम्मी मेरे साथ ऊपर है कि डरे ना। मैंने मम्मी को 10 बार बोल दिया मम्मी नीचे जा, मम्मी नीचे जा, पर मम्मी जा ही नहीं रही। मैं तो दिल से कहाँ बोल रहा, तो डर रहा है ना। तो चलो ठीक है, तो फिर तो डर तो यार थोड़ा बहुत लगता ही है, डरना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, मेरे अंदर जो है डरने की आई है ना ये सारी की सारी क्वालिटीज जो मैं इतना डरता हूँ वो जस्ट बिकॉज ऑफ मम्मी। घर में सबसे ज्यादा मम्मी डरती है, बस मम्मी की वजह से मैं निकला जो घर में सबसे ज्यादा डरता हूँ, वरना मम्मी डरती है सबसे ज्यादा। वही अपने बारे में कुछ नहीं बोल पा रही। क्यों, क्या बोलना है, ठीक तो है, डर चलो होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो अभी चल अपना फोन वगैरह चला लो थोड़ी देर, मैं अपना शूट करता हूँ। मैंने हॉरर स्टोरी टाइम शूट कर लिया, लाइट्स भी ऑफ कर दिए, मम्मी पर आफत आ गई कि उठना कैसे है यहाँ पर। उठ जा। नहीं मैं वो अपने आप उठती हूँ। चल मैं भी देखता हूँ कैसे उठती है, मेरे को नींद आने लगी। उठ उठ, मैं भी देखता हूँ क्योंकि दो बार तो उठ नहीं पाई मम्मी, वो गहरा है बहुत ज्यादा, वो एफर्ट लगाते हुए ओ घुटने लग गए। अब भी एक बार में उठगी और उससे पहले दो बार ही ट्राई करा, तो मेरे को नींद भी आने लगी थी। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया यार, मुझे अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा यार, वक्त ही नहीं बचता दिन में, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी गुड नाइट करते हैं। गुड नाइट। चलो अंकित को भी, सारे बच्चों को भी। यार मैं उठ के फ्रेश अप वगैरह हो गया, बट अभी एक सरप्राइज मेरे को ही मिल गया। रूपाली ने अभी कॉल करी मुझे थोड़ी देर पहले और उसने बताया कि वो चंडीगढ़ पहुंच गई है, तो मैं तो क्या ही जाऊंगा उसको लेने के लिए, वही चंडीगढ़ आ गई यार, तो उसने मुझे कहा कि अब लेने आ जा मुझे, सारे प्लान की लेनी देनी कर दी। अब वैसे कॉमन ही था कि मैं सोच रहा था कि मैं एक दिन पहले चला जाऊंगा तो वो सरप्राइज देने के लिए एक दिन पहले वही आ गई, तो चलो ऐसे ठीक ही है, मेरी इतनी लंबी गेड़ी बच गई। तो चलो अभी जल्दी से खाना वगैरह खा के सीधे रूपाली के पास चलते हैं। बताओ इसके काम भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ही रहते हैं, कहाँ मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगा और कल आना था उसने और वो कहाँ खुद ही आ गई, अब चंडीगढ़ पहुँच भी गई है ऑलमोस्ट और बस मैं भी उसको पिक कर लूँगा, तो फिर देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा रहता है। मतलब मेरा तो बड़ा सरप्राइज था कि मैंने सोचा था और वही आ गई, तो चलो अभी पहले उसी के पास चलते हैं। अभी फिलहाल रूपाली आ चुकी है, जिन अंकल आंटी के साथ वो आई थी वो मतलब मैं भी मिल लिया उनसे, मैंने सारा सामान ये देखो रख लिया पीछे, रूपाली जो लेकर आई थी, अभी रूपाली उनको मतलब मिलने गई है तो अब बस आ ही रही है वहाँ से, जैसी वो आ जाएगी तो फिर मैं कैप्चर करूँगा, हमेशा की तरह जब वो चल कर आती थी वैसे कैप्चर करूँगा और फिर बातें करते हैं, देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने बात नहीं करी, बस सामान रखा, अंकल आंटी से मिले और आ गई, तो फिर देखते हैं अभी आ जाएगी तब मैं रिकॉर्ड करूँगा। आ गई रूपाली आ गई, अभी शायद गाड़ी के पीछे है, ओ आ गई। कितने दिनों बाद आज चांद निकला आगे। हेल्दी लग रही है तो अभी, क्या हाल है तेरे, क्या हाल है, कैसा लगा जल्दी आके, कैसा लगा, इतना फुद्दू बनाया ना इसने मेरा, इतना फुद्दू। तो मैं दो दिन पहले आ गई तो तू एक घंटा पहले नहीं आ सकता। पहली बात तो मैं ये बताना भूल गया, मैं यहाँ पर एक घंटा पहले पहुँच गया था भाई, एक घंटा पहले, और मैं यहाँ पर दो दिन पहले पहुँच गई। और सबसे बड़ी बात, तूने तो बाद में आना था, तू अभी कैसे आ गई? अरे वो बोला नहीं था कि वो हो रहा है 13 दिन या कुछ, उसमें नहीं आते, मेरे को नहीं पता था ये, तेरी और ऊपर से मैंने ये सोचा था कि मैं आज तेरे घर आऊंगा, इसने सारी की सारी लेनी देनी कर दी प्लान की। आएगा, बताना था ना फिर। अभी मुझे ये था कि तू कल आएगी तो मैं आज जाऊंगा और सरप्राइज कल रुक कर या परसों रुक कर आ जाएंगे होली से पहले, मैंने ऐसा सोचा था, मम्मी के साथ बात भी कर दी।
चल पालमपुर चलते हैं, परसों आ जाएंगे फिर। चल अभी देखिए सारे प्लान की लेनी देनी कर दी। हाँ फिर बता देते क्या हाल है तेरे। बस। और तू हेल्दी कैसे लग रही है इतनी? घर से आई हूँ। हेल्दी चल मैं दूसरे शब्द में बोलता हूँ, मोटी कैसे लग रही है? तू आएगा मोटा, खुद का मुंह देख ले। यार ऐसे मत बोलो, अगर सब बोलेंगे मोटी नहीं नहीं बिल्कुल फिट लग रही है रूपाली, बिल्कुल फिट। इसका तो पता नहीं पर मुझे घर में सब बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ना वो हो गया, मोटा हो गया। इसलिए तू मेरे पे डाल रहा है कि सब फिर मुझे बोले। तो तेरे पर रूपाली मैं जिम जाने लगे, मैंने 3-4 दिन हो गए मुझे जिम जाते। हाथ लगा के देख, हाथ लगा के देख, क्या हाथ लगा के देख, अबे लगा ले अच्छे से यार। पत्थर डाल दिए क्या? 3-4 दिन हुए अभी सिर्फ जिम जाते हुए। ये वो वाला 3 दिन जाकर। अबे ये है ना कि पहले तो मैं जिम जाते थे, अभी बीच में रोकी थी, अभी आधा साल हो गया था, 1 साल हो गया था नहीं गया था, पर अब ज्वाइन करी शादी तो, के बाद ज्वाइन करी शादी। अब शादी में फिट होते हैं कि अब मैं ये पहनूंगा ताकि मैं फिट दिखूं, बाद में शुरू की हट। तो अब शुरू कर दी बट ये है कि असर दिख रहा है ना? ना जिम में भगवान के साथ लड़की आती है, भगवान के साथ टाइमिंग भी सेव रखी तूने, नहीं समझ के गया। अरे मतलब मैं और अनु मारते जिम, हमें दूसरों से लेना देना नहीं है। तो ये कैसे मतलब लड़कियां भी आती है भगवान? अरे मेरी बात तो सुन, अंधे होके थोड़ी मारते हैं जिम, जिम में इधर उधर चलती फिरती लड़कियां दिखेंगी। तो टाइम तो कुछ आगे पीछे कर ले, क्यों कर लूं, मेरे पास बचा ही वही टाइम, अनु के पास भी वही टाइम है। भगवान देखते, पर देखना क्या इसमें? वैसे ऐसे बोलो भगवान देखते है सबको, वही बोल रही हूँ भगवान देख रहा है तो अच्छी बात है। तो अब जो है सो है, पर चलो फाइनली इतने दिनों बाद रूपाली भी आ गई, अब होली सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि तो होली पहली होली होगी हमारी सबकी ना, अभी तो होली दूर है। क्या पिछली होली हम गाड़ी खींच रहे थे? हाँ पिछली होली हम गाड़ी खींच रहे थे, जिन्होंने व्लॉग देखा होगा वो मेरे दोस्त की गाड़ी खराब हो गई थी, बट ठीक है फिलहाल अभी घर चलते हैं और घर में सरप्राइज देते हैं सबको। और सामान देखना है कितना लेकर आई है, थोड़ी सब्जी बंदी है क्या सामान इतना स्ट्रॉन्ग? अब ये सारे वैसे मैं कुछ भी नहीं उठाऊंगी। अच्छा चलो अब सीधा घर पर मिलते हैं, पहुंच गए, अब सरप्राइज देते हैं सबको। आवाज आ गई, मुझे भी आने दे, मैं भी चलता हूँ। ये तो कल आने वाली थी, ठीक है वही कल आने वाली थी, मैंने भी ये बोला, मैंने कल आने वाली थी, तो मेरा प्लान भी खराब कर दिया। तू तो कुछ और बोल के गया था कि मैं रोबिन के यहाँ जा रहा हूँ, तो इसने इसका सुबह सुबह कॉल आ गई थी, मैसेज आ गए थे कि मैं आ गई हूँ चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पिक कर ले, तो मैंने कहा ठीक है। क्या बात है, और भी अच्छा हो गया, क्या बात है। बाकी रानी और भाभी आ गए, तुमने ऐसे तो बोले नहीं आते हुए, सरप्राइज। चलो एक बंदा आया जो पैर आते हैं, उसको मिठाई चाहिए चिज्जी खानी, वो भी आ गया बाहर। मिठू रूपाली को देख के पहचाना भी नहीं उसने, मिठू भी रूपाली को पहचान गया। रूपाली बुलाइए, बुलाइए रूपाली, बुला बुला एक बार बुलाइए। देखो हमारी बारी में, देखो हमारी बारी में, देखो हमारी बारी में आ गया। रूपाली को काटने में दौड़ रहा है ये, चल रहा है ओए मम्मी मम्मी, इतना कवर नहीं करी था, कितना कवर कर रही है मम्मी, मिट्टी ने बात से लिखा था इतना पापा आगे में चले गए। अरे बाप रे आ गया बेटा, कुछ तो जीते रहो, कैसे सब ठीक है? और घर में सभी मम्मी पापा वगैरह सब ठीक है? तुम्हारा डॉगी ठीक है? चलो ठीक है, सभी अच्छे हैं। चलो कब पहुंची बेटा? मैं पहुंच गई थी 12:00 बजे। अच्छा पापा भी अभी आए ऑफिस से, अभी अपना अब मैं जाऊंगा ऊपर अपनी रील बनाने के बाद, मुझे जाना है जिम, अब मैं जिम फ्री हो चुका हूँ ना, तो मुझे जिम जाना है। खाना पीना सबका हो गया, अब छत में ही वॉक कर रहे हैं सारे के सारे, मम्मी पापा रूपाली सारे के सारे। आज ठंडी हवा चल रही है, मतलब मस्त सुहावनी ठंडी हवा, थोड़ी देर वॉक करके फिर नीचे चलेंगे आराम से।